हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही ज़्यादा जो भी सर्वल का फेमस प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, एंड जो भी सर्वल के बहुत से प्रोडक्ट जो है मैं ट्राई करती आई हूँ, काफ़ी अच्छा ब्रांड है एंड इनके प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। फिलहाल के लिए मैं इनका अभी फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ, जिसका वीडियो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये वाला फेस वॉश मैं यूज़ कर रही हूँ। ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छी है, बट ज़्यादा देर तक आपकी स्किन को विदाउट ऑयली मतलब नहीं रखती है, थोड़ी देर बाद जो है ना स्किन पे ऑयल आ जाता है। तो लेकिन वो हटाइए, अब मैं बात करती हूँ ये जो भी सर्वल का सन जर्मा केयर विथ SPF 50 PA++ एंड ये एक ऑयल फ्री लोशन है जिसमें कि आपको SPF 50 PA++ मिलता है। तो ये किस टाइप के स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है, इसे किस तरह के स्किन वाले लोग यूज कर सकते हैं एंड इसका कोई साइड इफेक्ट है या नहीं स्किन में, एंड इसका प्राइस क्या है और भी बहुत कुछ इस बारे में चलिए मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो फिलहाल के लिए ये जो भी सर्वल के 3 प्रोडक्ट मैंने परचेज करे रिसेंटली इस मंथ और इसको यूज कर रही हूँ, तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस क्या रहा वही मैं शेयर करने वाली हूँ। और जो भी सर्वल की एक और सनस्क्रीन था जो कि सीरम फॉर्म में आता था, वो भी मैं यूज, काफी ज्यादा अच्छा था, जिनको व्हाइट कास्ट नहीं चाहिए उनके लिए तो बहुत ही अच्छा था। और ये वाला जो सनस्क्रीन है स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए, सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज इस पे मेंशन ही किया हुआ है कि ये ऑयल फ्री लोशन है और ये जो है ना ये आपको सन प्रोटेक्शन के साथ मिलता है, प्लस आपके स्किन को लाइटनिंग करने में भी हेल्प करता है। ये स्किन लाइटनिंग लोशन आप कह सकते हो जो कि ऑयल को कंट्रोल करता है एंड सन से आपको प्रोटेक्शन देता है, बट ये एक लोशन है, इसे आप डे में कभी भी यूज कर सकते हैं। वैसे डे के लिए बहुत ही अच्छा इसका फॉर्मूला है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं, घर में भी आप ऑल टाइम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक लोशन है बहुत ही बेस्ट है, स्पेशली जिनकी स्किन मेरे जैसे बहुत ज्यादा ऑयली है प्लस सेंसिटिव है ना, कोई भी प्रोडक्ट जल्दी से आप फटाक से स्किन पे लगाते हो और आपको एकदम शूट नहीं करता है, तो ये वाला लोशन जो है बहुत अच्छा है, आप यूज करके देख सकते हैं। और डे टाइम में ये इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें SPF 50 आपको मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं बता दूं ये ऑयल फ्री डर्मा केयर प्लस सनस्क्रीन लोशन है जो कि डेवलप करता है साइंटिफिकली आपके ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन को एंड हेल्प करता है आपके सन डैमेज वाली स्किन को, फ्री रेडिकल डैमेज वाली स्किन को जो है ना रिपेयर करने में। एंड अगर आपके स्किन पे साइंस ऑफ एजिंग की प्रॉब्लम है, यानी कि झुर्रियां आने लगी है, स्किन बहुत ज्यादा डल हो गई है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा जो टेक्सचर है ना वो वाटर लाइट टेक्सचर है, यानी थोड़ा सा पानी पानी जैसा टेक्सचर है, वाटरी वाटरी टेक्सचर है, ऑयली आपको टेक्सचर बिल्कुल भी नहीं लगेगा, काफी ज्यादा स्मूथ, एकदम बटर जैसे, थिक तो बिल्कुल नहीं है एंड काफी इजिली आपके ऑल ओवर स्किन में जो है स्प्रेड हो जाता है, फैलता है बहुत अच्छी तरीके से। और हाँ, इसको एब्जॉर्ब होने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाता, बहुत ही इंस्टेंटली आपके स्किन में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड मैं बता दूं इसमें है ब्रॉड स्पेक्ट्रम प्रोटेक्शन जो कि सन के हार्मफुल UVA UVB रेज होते हैं उससे हमारे स्किन को जो है, या एनवायरमेंट में जो हमारे पॉल्यूशन होते हैं उससे भी आपके स्किन को जो है प्रोटेक्ट करता है। एंड ये ऑल्सो मेंटेन करता है आपके स्किन के सरफेस को यूथफुल बनाता है एंड आपकी स्किन को विजिबली फेयरर भी बनाता है, यानी कि जिनको भी स्किन में थोड़ी सी डलनेस की प्रॉब्लम है, स्किन कलर आप थोड़ा सा चाहते हैं एक दो टोन लाइटन हो, कोई ऐसा मेथड यूज करे, ऐसा कोई लोशन यूज करे और जिसमें कि सन प्रोटेक्शन भी हो और स्किन को भी थोड़ा लाइटन अप करे, तो ये उसके लिए बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है कि आप इसे डेली यूज करो, डेली डे में यूज करें आप, और जो है ना आपके स्किन को धीरे धीरे ये लाइटन अप करेगा, इवनिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। आपको इसको कैसे यूज करनी है, तो पहले सबसे पहले अपने फेस को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करना है, पैर ड्राई कर लेना है, उसके बाद आपको ऑल ओवर फेस एंड नेक पे लगा लेना है, यूज कर लेना है, उसके बाद आपको वेट करना है 10 to 15 मिनट, क्योंकि एक सनस्क्रीन है, इसको स्किन में आपके एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, तभी जाके आप अपना और भी कोई प्रोडक्ट जो है आप यूज कर सकते हैं या कोई और स्टेप आप ले सकते हैं, बिकॉज ये एक अच्छा प्रोटेक्शन देगा आपको उसके बाद। तो गाइस, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट है, ये पैराबेन सल्फेट सिलिकॉन फ्री है, इसमें तुलसी फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, लिकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट है जो कि स्किन लाइटनिंग के लिए बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट माना जाता है, लिली फ्लावर एक्सट्रैक्ट है जो कि आपके स्किन को सूद करता है, आपके स्किन के इन्फ्लामेशन को कम करता है, इसमें टीक फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, इसमें सिया पर्ली फ्लावर एक्सट्रैक्ट है, ऑलिव ऑयल है, ऑलिव ऑयल आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है बहुत अच्छी तरीके से, आलमंड ऑयल है जो कि आपके स्किन को बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज प्लस हाइड्रेट करता है, ट्री ऑयल है जो कि आपके स्किन से ऑयल
को कंट्रोल करता है, स्किन को सूथ करता है। और भी बहुत ज्यादा के इंग्रेडिएंट इसमें हैं, आप पढ़ लेना। ये जो क्वांटिटी है ये है 100 ml का और इसका प्राइस जो है वो है 415 rupees, यानी 415 rupees। बट Amazon और Flipkart पे आपको शायद ये कम प्राइस में ऑफर काफी ज्यादा आते रहता है, तो आपको ये मिल जाएगा। ये लोशन बहुत ही अच्छा है, सन से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को डे बाय डे लाइटनिंग इफेक्ट देता है, प्लस एक्सेस ऑयल को कंट्रोल करता है आपके स्किन से। और आपकी स्किन सेंसिटिव है, ऑयली है, तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। वैसे तो ये ऑयल ड्राई स्किन पे भी चला जाएगा, बट स्पेशली ये डिजाइन की गई है ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन वालों के लिए। और इस पे मेंशन ही किया हुआ है पैराबेन फ्री है। तो गाइस इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना, परचेज कर लेना। और मैं बता दूं ये जो प्रोडक्ट है ये मेन एंड वीमेन कोई भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए बना है। कई लड़कों के मन में डाउट आता है कि ये एक लड़की रिव्यू कर रही है और ये प्रोडक्ट जो है लड़की के लिए, तो ऐसा नहीं है। को प्रोटेक्शन की जरूरत, स्किन को हाइड्रेट करने की जरूरत, या स्किन के लिए हम कुछ प्रोटेक्ट जो स्टेप लेते हैं वो सारे ही स्किन के लिए सेम ही होना चाहिए, सेम ही होता है। ये नहीं है कि लड़की सनस्क्रीन लगा सकती है, लड़के नहीं लगा सकते। सभी की स्किन सेम होती है और सबको स्किन की केयर जो है बिल्कुल सेम बराबर होती है, ठीक है। तो आप आराम से यूज कर सकते हैं। और मैं बता दूं इसमें ना बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी है, जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि आपकी स्किन को काम करता है एंड आपकी स्किन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और इसमें बहुत तरह के ऐसे इंग्रेडिएंट है, खास करके मैंने आपको कुछ कुछ चीजें बता दी। तो ये जो लोशन है ऑल ओवर आप जान लीजिए, आपके इरिटेशन को कम करता है, आपकी स्किन को शूद्ध करता है, सन डैमेज स्किन आपकी डैमेज हो गई है, खराब हो गई है, उसे रिपेयर करता है, प्लस सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन प्रोटेक्शन। एंड ये है ना, आपकी स्किन में अगर पहले से ही सन डैमेज आपकी स्किन हो गई है, सन से बहुत डैमेज हो गई है, स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गई, स्किन थोड़ा सा डल पड़ गया है, आपकी स्किन में डिसकलरेशन है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो उसे भी ये रिपेयर करता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, इसमें टी ट्री ऑयल है ना, इसीलिए, क्योंकि इसमें है लिकोराइज एक्सट्रैक्ट जो कि आपके स्किन को सन डर्मा केयर देता है एंड एक परफेक्ट फॉर्मुलेशन बनाता है आपके स्किन के सन बर्न एंड स्वेलिंग वाली, इरिटेशन वाली, रेडनेस वाली स्किन के लिए। तो कई लोग ऐसे हैं जो पूछते रहते थे मेरी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मैंने स्टीरॉयड क्रीम यूज की थी तो क्या मैं यूज करूँ। देखो मैं आपको कन्फर्मली नहीं बोल सकती हूँ कि आपने स्टीरॉयड क्रीम यूज की है तो ये आपको सूट कर जाएगा, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सूदिंग प्रॉपर्टीज है तो मैं आपको एक बार रेकमेंड करूंगी कि आप एक बार ये परचेस करके देखिए, छोटा साइज का ट्यूब अगर आता है तो परचेस करके एक बार यूज करके अप्लाई करके देखिए, अगर आपके स्किन में सूट किया तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो। आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज है, बहुत सेंसिटिव हो गई है, तो क्योंकि सन प्रोटेक्शन लगाना जरूरी होता है। सो गाइस आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड लव यू ऑल।